हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार एक अत्याचारी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, जिसको ना किसी के मुद्दे से कोई ताल्लुक है ना किसी के जीवन से कोई ताल्लुक है। एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि लगातार एक विशेष संप्रदाय या समुदाय या विशेष धर्म के लोगों को एकत्रित करने की बात की जा रही है, जबकि उसमें मुसलमानों को कहीं पर किसी भी तरीके का कोई सम्मेलन देखने को नहीं मिला समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, हमारे अहम हिस्सा है सभी वर्ग। तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लगभग 100 सीटों पर, क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? मैं ना उनको जानती हूँ ना उनकी नीतियों को। अखिलेश वानियों को 5 साल बाद पता चला कि मौजूदा सरकार अत्याचारी है। महाराष्ट्र के फारूक कुरैशी और आजम खान समेत सैकड़ों मामलों में कोमा में रहने वाली पार्टी की एक महिला ने आज बरेली पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड फेमस नेता असदुद्दीन ओवैसी के नाम एक सवाल के जवाब में अखिलेशवादी महिला ने कहा कि वो ना उनको जानती है ना उनकी नीतियों को। 5 साल के योगीराज के दौरान आजम खान समेत हजारों मुसलमान दलित योगी के जुल्म के शिकार हुए और आज तक हो रहे हैं। आम मुसलमानों को छोड़िए, पार्टी ने तो समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले आजम खान का भी साथ नहीं दिया। खैर, फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही 5 साल बाद पार्टी को कमजोरों गरीबों की चिंता सताने लगी। इसी चिंता के चलते जूही सिंह बरेली पहुंची। तयशुदा प्रोग्राम के तहत अखिलेशवादियों ने जूही सिंह नामक महिला का स्वागत किया। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार में कुर्सी तलाश रही इन मोहतरमा ने मुस्लिम नेताओं के लिए अपनी सोच को ही उगल दिया। मुस्लिमों की बाबत एक सवाल के जवाब सीधे देने की बजाय मैडम ने बात को घुमा दिया, मतलब साफ है कि मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर बगलें झांकने लगती है पार्टी। कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं, युवाओं, सभी अपने संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार एक अत्याचारी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, जिसको ना किसी के मुद्दे से कोई ताल्लुक है ना किसी के जीवन से कोई ताल्लुक है। हमें इस सरकार को हटाना है, यही हम सबने ठाना है। और अखिलेश यादव जी की सरकार, क्योंकि उन्होंने काम किया है और काम बोलता है, 2022 में लानी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, इसी मुहिम पर हम लोग निकले हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, कितनी महिलाओं को टिकट देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव? समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है और जो भी महिला इस लायक होगी उसको टिकट जरूर दिया जाएगा। टिकट कितने दिए जाएंगे, किस परसेंटेज में दिए जाएंगे, ये वो लोग बता सकते हैं जिनको अपना जनाधार अभी खोजना बाकी है। समाजवादी पार्टी संगठन सरकार लोकसभा और विधानसभा में हमेशा महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करती है, यही लोहिया जी का सिद्धांत था, नेताजी का भी और अखिलेश यादव जी का कार्यकाल भी यही देखता है। एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि लगातार एक विशेष संप्रदाय या समुदाय या विशेष धर्म के लोगों को एकत्रित करने की बात की जा रही है, जबकि उसमें मुसलमानों को कहीं पर किसी भी तरीके का कोई सम्मेलन देखने को नहीं मिला समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, हमारे अहम हिस्सा है सभी वर्ग। हमारे पास प्रकोष्ठ हैं, महिला प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, तो ये कहना कि उनकी बात नहीं हो रही है ये शायद एक खुद में एक दुष्प्रचार है। बाकी हमारी सारी योजनाएं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, HCL हो, सैमसंग हो, डायल 100 हो, 1090 हो, 108, 102 समाजवादी पेंशन, लैपटॉप वितरण, ये सभी वर्गों और सभी उम्र के लोगों के लिए है, तो हम काम करते हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लगभग 100 सीटों पर, क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? मैं ना उनको जानती हूँ ना उनकी नीतियों को जानती हूँ मैं ना उनको जानती हूँ ना उनकी नीतियों को जानती हूँ मैं मैं ना उनको जानती हूँ ना उनकी नीतियों को जानती हूँ मैं समाजवादी पार्टी की बात करती हूँ। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी काम करती है।